नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मालतीज किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पंचामृत और पलींजी। तो पंचामृत पलींजी में क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ती है, तो चलो देखते हैं। 200 ग्राम हमने आटा लिया है, सूखा मेवा जो हमने काट लिया है, इसमें गरी है, छुहारा है, काजू बादाम, किशमिश है, इसको छोटे टुकड़ों में काट के रख लिया है, थोड़ा सा दूध है, थोड़ा दही है, और ये मखाना है, छोटे टुकड़ों में काट लिया हमने, ये पीसी शक्कर है, और ये शक्कर है, और ये थोड़ा शहद है, घी है, तुलसी की पत्ती है, इलायची पाउडर है। अभी हम पहले हम बनाएंगे पंचामृत। पहले हम पंचामृत बनाएंगे। अभी इसमें पहले थोड़ा दही डालेंगे, इसमें थोड़ा ही दही डालेंगे क्योंकि नहीं जम जाएगा। शक्कर डालेंगे, अभी इतना शक्कर रख देते हैं, पलींजी बनाने में जरूरत पड़ेगा। थोड़ा हमने मखाना डाल देते हैं, थोड़ा मेवा डाल देते हैं, ये जो कटा हुआ है, थोड़ा सा हमने शहद डाल देते हैं, तुलसी की पत्ती डाल देते हैं, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि इसमें शक्कर सब मिक्स हो जाए। अब हमारा पंचामृत बनके रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे पंजीरी। अभी हम जलाएंगे गैस, अभी रखेंगे पैन, इसमें इसमें डालेंगे घी, अभी इसमें डाल देते हैं आटा, ये जो रखा था, इसको अच्छे से भूनेंगे हम। हमारा आटा पक गया है, अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। गैस बंद कर देते हैं। अभी थोड़ा सा जलाव बनाएंगे, जो हमने ये शक्कर ली थी इसमें डालेंगे। अभी इतना ज्यादा लग रहा है तो इतना बचा लेते हैं। इतना सा हम पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। हमारे शक्कर घुल जाना चाहिए, अच्छे से जलाव बनेगा। अभी इसको ज्यादा नहीं पकाएंगे, अभी हम डालेंगे ये मेवा इसमें। इसको जब तक पकाएंगे जब तक ये सूख न जाए अच्छे से, ये सब मेवा और ये शक्कर मिक्स हो जाएगा जब तक पकाएंगे इसको। हमने जो ये मखाना काट के रखे थे ये भी इसमें डाल देते हैं।
जलाओ और ये सब मिश्रण हमारा एक ही में बढ़िया तैयार हो गया है। थोड़ा ठंडा करेंगे इसको 5 मिनट के लिए। इलायची पाउडर डाल देते हैं इसमें। अब इसमें हम ये डाल देंगे आटा जो हम कल आ रहा था। अभी ये डालेंगे शक्कर, पीसी शक्कर। अभी हमारा पलिंजी बनके तैयार हो गया, बढ़िया सब कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए तैयार है। पंचामृत पलिंजी हमारा बनके रेडी हो गया है। इसको खास तौर से जन्माष्टमी के त्योहार में बनाया जाता है। इसको हम श्री कृष्ण भगवान को भोग लगा सकते हैं और सबको प्रसाद बांट सकते हैं। तो हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी? यदि हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।